Hello everyone, this is Amaira. I'm a spiritual life coach, motivational speaker, tarot card reader, numerologist and a vastu expert. और मैं हाजिर हूँ आपके सामने आपका डेली टेरोस्कोप लेकर के। जी हाँ, बताएंगे आपको कि आपका आज का दिन यानी कि 15th of April आपके लिए कैसा रहेगा। तो शुरुआत करते हैं, हमारी पहली राशि जो है एरीज, मेष राशि। कार्ड्स आपके लिए आए हैं जस्टिस एंड फाइव ऑफ कप्स। तो आज का दिन काफ़ी सारी डिसअपॉइंटमेंट्स आपके लिए लेकर के आ सकता है। कोई लीगल केस अगर चल रहा था और उसकी अगर आज सुनवाई होनी है या उसकी कोई डेट है, तो उसमें आपको थोड़ी सी जो है हताशा यहाँ पे हाथ लग सकती है। चीज़ें आपके फेवर में नहीं जाएंगी। जस्टिस जो है यहाँ पर मुझे सर्व होता हुआ आज नज़र नहीं आ रहा। आप आज के दिन जो है इमोशनली भी किसी चीज़ को लेकर के काफ़ी परेशान हो सकते हो। किसी पास्ट लवर को या किसी इंसान को आपकी लाइफ में मिस भी कर सकते हो। कलर की अगर हम यहाँ बात करें तो पर्पल कलर आपके लिए लकी रहेगा। नंबर्स की अगर मैं बात करूँ तो नंबर 5 आपके लिए लकी रहेगा। टॉरस, कार्ड्स आपके लिए आए हैं चेंज योर लाइफ एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। कहीं ना कहीं आपको बार बार आज ऐसा लग सकता है कि पैसे की वजह से आपके बहुत सारे काम रुके हुए हैं, और अगर आज आपको कोई पेमेंट रिसीव होनी थी तो उस पेमेंट में भी मुझे यहाँ पर डिले दिखाई देता है। ओवरसीज ट्रैवल का आज प्लान कर सकते हैं। लाइफ के अंदर मेजर चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए जो है बोलते हैं ना, कई बार बिहाइंड द सीन तैयारी चल रही होती है, फ्रंट पे बहुत सारी परेशानियों से आप जूझ रहे होते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा अलूफ और अलोन आज आप फील कर सकते हैं, लेकिन मॉनिटरी बेनिफिट्स आने वाले टाइमिंग में काफी स्ट्रॉन्ग मुझे आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। बट आज का दिन पैसों को लेकर के भी थोड़ा सा स्लो दिखाई देता है। कलर की अगर हम यहाँ बात करें तो येलो कलर लकी रहेगा। नंबर्स की बात करूँ तो नंबर 6 आपके लिए लकी रहेगा। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगली राशि जो है जेमिनी यानी कि मिथुन राशि। कार्ड्स आए हैं दी सन एंड पेज ऑफ सोर्ड्स। लाइफ इज वंडरफुल, थ्राइव थ्रू द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग एंड इंस्पायरिंग सक्सेस। आज का दिन आपका सुपर पॉजिटिव आने वाला है। टैरो का सबसे ज़्यादा सुपर पावरफुल पॉजिटिव कार्ड कहा जाता है सन का, वो कार्ड आपके लिए आया है। तो आज का दिन नया उजाला भी आपके जीवन में ला सकता है। बहुत टाइम से अगर कोई चीज़ें अटकी हुई थी तो यहाँ पर जो है मुझे उसके अंदर गति आती हुई दिखाई दे रही है। आपके वो काम बनने शुरू हो जाएंगे। कुछ लोगों के केस में अगर प्रेगनेंसी जो है ऑलरेडी घर में कोई प्रेगनेंट है और डिलीवरी अगर आज के दिन होती है तो बेटे होने के चांसेस जो हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आते हैं। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई अच्छी गुड न्यूज़ भी आज आपको सुनने को मिलेगी। ये गुड न्यूज़ आपकी जॉब रिलेटेड भी हो सकती है। कलर की अगर मैं बात करूं तो रेड कलर लकी रहेगा। नंबर्स की अगर हम यहां पे बात करें तो नंबर 9 आपके लिए लकी रहेगा। कैंसर, कर्क राशि। कार्ड्स आए हैं दी लवर्स एंड टेम्परेंस। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है, बहुत ही बैलेंस एनर्जी है। आज का दिन काफ़ी ज़्यादा पीसफुल, हार्मनी भरा मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है। चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। अगर आप किसी से काफ़ी टाइम से बहुत प्यार करते हैं, उनसे बातचीत नहीं हो रही थी, तो यहाँ पर मुझे आपकी सिर्फ बातचीत उनके साथ होती हुई नज़र नहीं आ रही है, बल्कि आपका मिलना भी उनके साथ आज पॉसिबल हो सकता है, और आप उनके साथ कहीं बाहर डेट पर भी जा सकते हैं। बात करें आपकी जो है प्रैक्टिकल लाइफ की या जॉब वाली लाइफ की, वहाँ पर मुझे कोई खास हलचल दिखाई नहीं देती। रूटीन डे जो है आपका रहने वाला है, ना कुछ प्लस ना कुछ माइनस, नॉर्मल डे रहेगा। लेकिन इमोशंस को लेकर के, रिलेशनशिप्स को लेकर के आपका आज का दिन सुपर पॉजिटिव रहने वाला है। कैंसर, कलर की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ग्रीन कलर आपके लिए लकी रहेगा। नंबर्स की अगर मैं बात करूँ तो नंबर 6 आपके लिए लकी रहेगा। सिंह राशि, कार्ड्स आए हैं 10 of Aerial एंड द जजमेंट। बहुत ही ज़्यादा बढ़िया मॉनेटरी बेनिफिट्स बहुत सारे हो सकते हैं आज आपको। प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई ना कोई गुड न्यूज़ सुनने को मिलेगी। कोई पुश्तैनी प्रॉपर्टी भी आज आपके नाम पे जो है ट्रांसफ़र हो सकती है, या आपको ये न्यूज़ मिल सकती है कि आपके नाम पे कोई पुरानी प्रॉपर्टी आने वाली है। फैमिली के साथ शाम होते होते अच्छा समय बिताएंगे आप अपनी फैमिली के साथ में। अगर आपके उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं आपके बच्चों के, या आपके जो पेरेंट्स हैं वो आपसे दूर रहते हैं, तो आप अपनी फैमिली के साथ में उनसे मिलने के लिए भी जा सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। जजमेंट का कार्ड ये भी इंडिकेट करता है कि आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, और लाइफ में जब भी कुछ बहुत अच्छा हो रहा होता है तो वी हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग इन आवर लाइफ। तो थैंक यू करने के लिए आप जिस किसी में विश्वास करते हो, उनके मंदिर में जा करके, आश्रम में जा करके, या फिर नॉर्मल अपने घर में भी किसी भी चीज़ का भोग लगा करके आप जो है यहाँ पे मिठाई वितरण कर सकते हैं। ऐसा आपको करना चाहिए, जिससे आपका जो अबंडेंस है वो मल्टीफोल्ड होगा और ज़्यादा बढ़ जाएगा। कलर की अगर हम यहाँ पर बात करें तो पिंक कलर लकी रहेगा। नंबर्स की अगर हम यहाँ पर बात करें तो नंबर 1 आपके लिए लकी रहे।
कन्या राशि वर्गो, काल साइन है क्वीन ऑफ माइकल एंड एट ऑफ स्वॉर्ड्स। आप आज बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, परेशानियाँ आज आपकी बढ़ सकती हैं। यू फील स्टक कि आप कोई भी काम कर रहे हो उसके लिए शुरुआत तो कर देते हो लेकिन वो सिरे नहीं लग रहा है, यानी कि उसमें सक्सेस आपको नहीं मिल रही है, थ्रू नहीं हो पाएंगे आप। तो ये अड़चनें जो हैं आज आपके लिए बरकरार रहने वाली हैं। शाम होते होते काफ़ी सारा डिसअपॉइंटमेंट भी आपको महसूस हो सकता है, लेकिन मैं यहाँ पर बोलूँगी कि आपके जो आशा की किरण है वो है आपका ब्रिलियंट होना, आपका इंटेलिजेंट होना। तो अपनी इंटेलिजेंस का सही इस्तेमाल करेंगे तो ये जो ब्लॉकेजेस हैं इससे आप बहुत आसानी से निकल सकते हैं। थोड़ा सा फोकस की ज़रूरत है, ऐसा करने से आप इस मुसीबत से जल्दी ही बाहर आ जाएंगे। लेकिन आज का दिन ओवरऑल आपके लिए थोड़ा सा स्लो और थोड़ा सा सैड रहने वाला है। कलर की अगर हम यहाँ पे बात करें तो इलेक्ट्रिक ब्लू कलर जो है आपके लिए लकी रहेगा। नंबर्स की अगर मैं बात करूँ तो नंबर 8 आपके लिए लकी रहेगा। लीब्रा, कार्ड्स आए हैं 3 ऑफ राफियल एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स। पुराने फ्रेंड्स के साथ में किसी गेट टुगेदर को अटेंड करने के लिए जा सकते हो, पुराने दोस्तों के साथ वापस मुलाकात हो सकती है, घर में किसी तरीके का सेलिब्रेशन, कोई इंगेजमेंट फंक्शन, बर्थडे पार्टी सेलिब्रेशन, इस तरीके का कोई इवेंट आज आपके घर में देखने को मिल सकता है। उसी के अंदर जो है आज आपकी व्यस्तता काफ़ी बड़ी रहेगी। कुछ लोग जो काम को लेकर के बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, काम को लेकर के आपको सडन ट्रैवल प्लान करना भी पड़ सकता है। कलर की अगर हम यहाँ बात करें तो ग्रीन कलर लकी रहेगा। नंबर्स की बात करूँ तो नंबर 3 आपके लिए लकी रहेगा। जो है स्कॉर्पियो, कार्ड्स आपके लिए आए हैं 4 ऑफ गैब्रियल एंड क्वीन ऑफ कप्स। टाइम फॉर ए सेलिब्रेशन, आज का दिन सुपर पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मुझे कुछ केसेस के अंदर तो मैं बोलूँगी कि अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ लव रिलेशनशिप में थे तो यहाँ पे आज आपकी इंगेजमेंट उनके साथ फिक्स हो सकती है। कुछ केसेस के अंदर आज ही रोका भी हो जाएगा यहाँ पर जिनसे किसी से आप प्यार करते हैं। रिलीज़ योर सेल्फ फ्रॉम बर्डनसम सिचुएशन, अगर पास्ट में कुछ खराब चल भी रहा था तो आज का जो दिन है वो आशा की एक नई किरण आपके जीवन में लेकर के आने वाला है। चीज़ें बहुत पॉजिटिव दिखाई दे रही हैं, हैप्पीनेस इज़ ऑल अराउंड। यहाँ पर आप मुझे किसी डांस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करते हुए भी दिख रहे हैं। अगर आप में से कोई डांसर है जो हमें दिख रहा है और काफ़ी इन रियल वो किसी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने वाले हो तो लोगों को आपकी परफॉर्मेंस बहुत पसंद आएगी, बहुत ज़्यादा इसको सराहने वाले हैं। अगर आप जॉब में हैं तो आज आपको वहाँ पर भी कोई ना कोई गुड न्यूज़ सुनने को मिल सकती है। ओवरऑल जो आपका दिन है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिखाई देता है। कलर की अगर हम यहाँ बात करें तो रस्टी ऑरेंज कलर आपके लिए लकी रहेगा। नंबर्स की अगर मैं बात करूँ तो नंबर 4 आपके लिए लकी रहेगा। सेजिटेरियस, कार्ड्स आए हैं 7 ऑफ माइकल एंड डेथ। आज के दिन आपके साथ धोखा हो सकता है, कोई आपको चीट कर सकता है, आपके घर में व्यापार में चोरी होने की संभावना भी यहाँ पर दिखाई दे रही है, फैमिली में किसी की डेथ की न्यूज़ भी आज आपको सुनने को मिल सकती है। तो दिन जो है आपका ओवरऑल काफ़ी चैलेंजेस वाला जो है, चैलेंजेस से भरा रहने वाला है। कलर आपके लिए जो लकी रहेगा वो है लाइट ग्रीन। नंबर्स की अगर मैं बात करूँ तो नंबर 7 आपके लिए लकी रहेगा। कैप्रिकॉर्न, कार्ड्स आपके लिए आए हैं पेज ऑफ राफियल एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि मकर राशि। तो मकर राशि वालों का दिन आज कैसे रहने वाला है? आज आप थोड़ा सा इमोशनल जो है ज़्यादा फील कर सकते हैं, अपने ही साथ बैठे हुए और पुरानी यादों में कई बार हम डूब जाते हैं और पुरानी चीज़ों को मिस करना शुरू कर देते हैं, वैसी एनर्जी आपके लिए दिखाई दे रही है। कुछ केसेस के अंदर जो लोग सिंगल हैं आपके मन में, आपके ऐसा नहीं कि लाइफ के अंदर बोल रहे हैं बट आपके मन में किसी के प्रति नई फीलिंग्स जो हैं आज जाग सकती हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स इंडिकेट ये भी करता है कि पुराने टाइमिंग में हुआ सेपरेशन, आप किसी के साथ में सेपरेट हुए थे, उसकी यादें भी आज आपको परेशान कर सकती हैं। फाइनेंसिस की बात करें अगर हम यहाँ पर तो आपको थोड़ा सा लॉस जो है यहाँ पर देखने को आज मिल सकता है। कोई भी नई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आज का दिन आपको अवॉइड करना चाहिए। कलर की अगर हम यहाँ पर बात करें तो गोल्डन कलर आपके लिए लकी रहेगा। नंबर्स की अगर मैं बात करूँ तो नंबर 5 आपके लिए लकी रहेगा। एक्वेरियस, एक्वा, कार्ड्स आपके लिए आए हैं सॉल्यूशंस एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। आप बड़े दिनों से किसी दुविधा में थे, कन्फ्यूजन चल रहा था, लेकिन फाइनली आज आपको उस चीज़ का सॉल्यूशन मिल जाएगा, आपकी दुविधा वो दूर हो जाएगी। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट था, किसी वजह से कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, तो वो कॉन्फ्लिक्ट आज सॉल्व होता हुआ नजर आ रहा है, आपको सही राह जो है दिखाई देने लग जाएगी और आप जो है जो भी आज डिसीजन लेते हैं वो आपके फेवर में भी जाएगा। सक्सेस दैट कम्स फ्रॉम ऑब्जेक्टिव कॉम्प्रोमाइज सेल्फ कंट्रोल एंड पेशेंस फॉर गिविंग एंड हीलिंग एनर्जी। कई बार क्या होता है कुछ सिचुएशंस में हमको अपना पर्सपेक्टिव थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है, उसको अलग तरीके से देखना पड़ता है, तो फिर हमें समझ में आता है कि यहाँ पर बेस्ट सॉल्यूशन क्या पॉसिबल है। आप एक नहीं दो दो जगहों से आज जो है आपको मुझे इनकम की प्राप्ति होती दिखाई दे रही है, दो दो जगह से पेमेंट्स आपके पास में आएंगी, तो मॉनिटरी भी दिन आज आपका बहुत अच्छा जाने वाला है, काफ़ी बैलेंस जो है आपका दिन रहेगा। कलर की अगर हम यहाँ बात करें तो डीप पर्पल कलर आपके लिए लकी रहेगा। नंबर्स की बात करें तो नंबर 2 आपके लिए लकी रहेगा।
पाइसेस यानी कि मीन राशि। कार्ड साहब के लिए आए हैं सिक्स ऑफ एरियल एंड फाइव ऑफ वंस। अपनों के साथ आज लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, घर में कलेश हो सकता है, आपस में सिर्फ बातों बातों के अंदर ही जो है ये जो कलेश है ये बढ़ जाएगा और मेंटल स्ट्रगल काफ़ी ज़्यादा हाई दिखाई दे रही है आज के दिन में। एंग्जाइटी हो सकती है, स्ट्रेस बढ़ सकता है। सिक्स ऑफ एरियल ये कहता है कि आपकी मटेरियल नीड्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यानी कि दिन जो चल रहा है आपका, घर चलाने के लिए पैसा चाहिए, कोई वस्तु चाहिए, कोई लग्जरी है, कुछ है, उन सबके अरेंजमेंट्स बिल्कुल ठीक नज़र आ रहे हैं। लेकिन आज के दिन में जो कंसर्न है वो यही है कि आपकी आपके अपनों के साथ में आज बहस हो सकती है, घर में लड़ाई हो सकती है, उसको जितना हो सके आप थोड़ा सा यहाँ पे आज अवॉइड करें। कलर की अगर हम बात करें तो पिंक कलर लकी रहेगा। नंबर्स की बात करूँ तो नंबर 6 आपके लिए लकी रहेगा। तो ये था आपका आज का टैरोस्कोप। आई होप यू लाइक द रीडिंग। अगर आप लोगों को रीडिंग्स अच्छी लग रही हैं, आप अपना पर्सनल सेशन मेरे साथ बुक करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।